नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोगों को घर के भीतर पौधे लगाने के लिए बिहार सरकार ने किया प्रोत्साहित। कोविड-19 की तीसरी लहर की बिहार में शुरू हुई तैयारी। बिहार में भी उठने लगी है वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर की मांग। बिहार में रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के किसानों को सस्ती कीमत पर अच्छा बीज घर पर ही मुहैया करवाएगी सरकार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत परिवार के सिर्फ इतने व्यक्तियों को मिलेगा लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नियमों में बदलाव करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को लाभ देने पर सोच विचार किया जा रहा है। जिसके तहत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए नियम तय किए हैं। योजना का लाभ परिवार यानी कि पति पत्नी और आवश्यक बच्चे के एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। वहीं संयुक्त परिवार केवल एक दफा ही इस योजना का लाभ उठा सकेगा। आपको बता दें, इस योजना के लिए आवेदन साल की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसके अलावा उद्योग विभाग ने वित्तीय अनुदान और सहायता देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। बिहार में कोविड-19 के मिले 8,000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 7,336 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 82,486 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 107, अलवर में 44, औरंगाबाद में 106, बांका में 117, बेगूसराय में 334, भागलपुर में 361, भोजपुर में 29, बक्सर में 43, दरभंगा में 91, ईस्ट चंपारण में 191, गया में 285, गोपालगंज में 191, जमुई में 73, जहानाबाद में 51, कैमूर में 9, कटिहार में 180, खगड़िया में 124, किशनगंज में 109, लखीसराय में 49, मधेपुरा में 122, मधुबनी में 360, मुंगेर में 213, मुजफ्फरपुर में 292, नालंदा में 220, नवादा में 96, पटना में 1202, पूर्णिया में 282, रोहतास में 79, सहरसा में 224, समस्तीपुर में 392, सारण में 205, शेखपुरा में 53, शिवहर में 49, सीतामढ़ी में 91, सिवान में 97, सुपौल में 226, वैशाली में 353, वेस्ट चंपारण में 237 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 49 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 14,340 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 558,785 पर पहुंच गई है। बिहार में रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने की शुरू हुई तैयारी। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग पर बिहार में लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। एनआईसी की तरफ से एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है जो फर्जीवाड़े पर काफी हद तक शिकंजा कसेगा। इसमें हॉस्पिटल को अपनी डिमांड अपलोड करनी हो और उसी आधार पर संबंधित मरीजों को इंजेक्शन औषधि विभाग के नियंत्रण में दी जाएगी। कालाबाजारी रोकने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेही सब तय कर दी जाएगी। औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की माने तो पोर्टल बनाए जाने के बाद हॉस्पिटल अपनी डिमांड के साथ संबंधित मरीज का पूरा अपलोड करेगा। साथ ही यह भी बताएगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है। इसके साथ ही जारी किए गए पोर्टल पर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का लॉगिन पासवर्ड भी दिया होगा। इसके बाद ही इस इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में भी उठने लगी है ग्लोबल टेंडर की मांग। कोविड-19 के इस माहौल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कई राज्यों से वैक्सीन की कमी की खबरें लगातार सामने आई हैं, जिसमें से एक बिहार भी ऐसा राज्य है जहां पर लगातार वैक्सीन की कमी की खबर सामने आई है, जिसके बाद ही अब बिहार में भी ग्लोबल टेंडर की मांग देखने को मिल रही है। IMA बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार कोरोना की रफ्तार पर अगर काबू पाना है तो एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। इस प्रक्रिया को हर हाल में अपनाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अभी से 6 महीने के अंदर 80 से 90% लोगों को वैक्सीन लग जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हर किसी को मुफ्त में वैक्सीन लगे यह जरूरी नहीं है। इसको लेकर के नेताओं ने भी कई मुद्दे उठाए हैं। बिहार सरकार ने मांस मछली और अंडा खाने से कोविड-19 फैलने की अफवाह पर दिया बयान। कोविड-19 के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से अफवाहों का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच बिहार सरकार ने मांस मछली और अंडा खाने से कोविड-19 के फैलने वाले तथ्य को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने यह जानकारी शेयर की है। यह जानकारी भ्रम फैला रही है। मांस मछली और अंडा के सेवन से कोरोना के होने के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। IPRD बिहार के ट्विटर हैंडल पर जारी की गई जानकारी के अनुसार सरकार का यह मानना है कि मटन, चिकन, अंडा और मछली खाने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता है। मुर्गी, मांस मछली और अंडा खाने से कोरोना वायरस संक्रमण का अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं यह भी सलाह दी गई है कि कोई भी मांस खाने से पहले उसे अच्छी तरह से जरूर पका ले।
ऑक्सीजन के लिए लोगों को घर के भीतर पौधे लगाने के लिए बिहार सरकार ने किया प्रोत्साहित। कोविड 19 के माहौल में लोगों को शुद्ध हवा मिल सके इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार में भी अब लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके इसकी तैयारी हो रही है। बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू अभियान शुरू किया है ताकि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा सके कि कोरोना वायरस को हराने में प्रकृति कैसे मदद कर सकती है। वन एवं पर्यावरण जल एवं परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि घर के भीतर लगाए जाने वाले उन पौधों के बारे में जागरूक करके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और उन पौधे जड़ी बूटियों के बारे में भी जिनका औषधीय महत्व ज्यादा है। बिहार के किसानों को सस्ती कीमत पर अच्छा बीज घर पर ही मुहैया करवाएगी सरकार। कोविड 19 के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। वहीं लगातार आ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी लॉकडाउन के नियमों को लागू कर दिया है, लेकिन फिलहाल किसानों के लिए बुआई का मौसम चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसानों को सस्ती कीमत पर अच्छी बीज घर पर पहुंचाने का जिम्मा बिहार सरकार ने खुद लिया है, जिसके लिए किसानों को आवेदन करते समय इसका ऑप्शन चुनना होगा। आवेदन में दुकान और होम डिलीवरी दोनों का विकल्प होगा। धान के बीज के लिए किसान 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत अगर आपको भी सस्ते बीजों की ऑर्डर करनी है तो आप brbn.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार के शरद विवेक सागर इस बार भी 1000 युवाओं को देंगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मौका। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी क्रम में आज हम आपको शरद विवेक सागर के बारे में बताने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और फोर्ब्स की सूची में शामिल बिहार के लाल शरद विवेक सागर के संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल ने 1000 इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, जो कि युवाओं इंटर्नशिप और करियर में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब यह डेक्सटेरिटी ग्लोबल के यंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में विकसित हुआ है। आपको बता दें, शरद विवेक सागर के इस डेक्सटेरिटी के तहत 6 सप्ताह के इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से संगठन भारत के लिए प्रभावी प्रबंधकों को तैयार करने का काम किया जाता है, जिसके तहत अब अगर आप भी ऐसे इंटर्नशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप www.1000internships.org पर जाकर के 25 मई से पहले आवेदन भर सकते हैं। बाढ़ को ध्यान में रखते हुए इस बार अधिक राहत शिविर बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार में बाढ़ की समस्या की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि अभी से ही ऐसे शरण स्थल को चिन्हित कर ले। बाढ़ शरण स्थल में यथासंभव दूरी पर स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में हेल्थ क्वारंटीन सेंटर संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि बाढ़ शरण स्थल और बाढ़ प्रभावितों के लिए संचालित होने वाले सामुदायिक रसोई में प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस क्रम में मेडिकल स्क्रीनिंग भी होगी। हालांकि यह जरूर साफ किया गया है जिससे में कोरोना का लक्षण पाया जाएगा उन्हें बाढ़ शरण स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें सुरक्षित दूरी पर बने स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मिली मंजूरी। कोविड 19 की दूसरी लहर ने बिहार को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब कोविड 19 की तीसरी लहर को लेकर के बिहार में पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। एम्स में इसी महीने के अंत तक 2 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीन ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर एम्स प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो थर्ड वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों के होने की आशंका जताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर जारी किया अहम आदेश। मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बिहार सरकार ने ही अपना आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने लोगों को राहत देते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र को निबंधन पत्र और ईमेल आईडी से भेजने का प्रबंध करने की बात कही है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर निगम के आयुक्त, नगर परिषद, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया है। इस बाबत नगर विकास एवं आवास विभाग ने हाल ही में एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि विषम परिस्थिति में नगर निकायों द्वारा निर्गत किए जा रहे मृत्यु प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए लोगों को दफ्तर आना पड़ता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों की संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाए ताकि आवेदक को कम परेशानी हो। बिहार के शिक्षकों को अभी नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। बिहार के शिक्षकों के लिए जहां कुछ दिनों पहले ही खुशखबरी जारी की गई थी कि उन्हें अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार ने अपने हिस्से पर फैसला रोक दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अधीन नियुक्त शिक्षकों को 15% बढ़े वेतन के लिए अभी इंतजार करना होगा, जिसके तहत वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने पर अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों को मूल वेतन में प्रतिशत राशि एरियर के रूप में मिलेगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बढ़े वेतन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के साथ ही वेतन वृद्धि का लाभ दे होगा।
बिहार के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने दिखाई दरियादिली। केंद्र सरकार ने बिहार किसानों के लिए दरियादिली दिखाई है, जिसके तहत यूरिया, डीएपी और एनपीके के आवंटन का हाल जानने के लिए एक नए विकल्प को पेश किया गया है, जिसके तहत खरीफ की 138.20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 16 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद की जरूरत का आकलन किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक आयोजन करवाया गया था, जहां पर यही इस लक्ष्य को तय किया गया है। वहीं बिहार में किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन कर दिया है। बिहार में लगेगी ऑक्सीजन बनाने वाली 9 मशीनें। कोविड 19 के माहौल में ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिली है, जिसके बाद बिहार में लोगों को हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली 9 मशीन देखने को मिलने वाली है, जिसकी मदद से प्रति मिनट 7000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार जिन क्षमता की मशीन की स्थापना तैयारी कर रही है, उसमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में 800 लीटर प्रति मिनट, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट वाली शामिल है। इसके साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मध्यपुरा, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, महारानी जानकी कोविड हॉस्पिटल बेतिया में भी ऑक्सीजन उत्पादन की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेडिकेटेड कोविड सेंटर में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड सेंटर में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही शनिवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जिलों के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का वर्चुअल टूर के माध्यम से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और उसकी समीक्षा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने तथा उनके फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना पर जरूरतमंदों को इलाज न दे पाने पर दिया बयान। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कोरोना को लेकर अपना बयान दिया है, जिसके तहत बीते दिन बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में जरूरतमंदों को समय पर उपचार न दे पाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सूबे में कोरोना महामारी की विभीषिका को देखते हुए मेडिकल इमरजेंसी लगी है। राज्य सरकार को महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसे में सूबे के सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, सबका कर्तव्य इस समय मरीजों की सेवा करनी है। फर्जी ई पास का खेल आया सामने। लॉकडाउन के माहौल में कई फर्जी लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में फर्जी ई पास का खुलासा हाल ही में सामने आया है। यह मामला बिहार के रोहतास जिले का है, जहां पर डीएम और एसडीओ के फर्जी हस्ताक्षर वाले ई पास के लिए धंधेबाज 2000 रुपए प्रतिपास तक वसूल करते थे, जिसके तहत डीएम और अनुमंडल अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर से ई पास तर्गत किया जाता था, जिसके बाद बीते दिन इस मामले का भंडाफोड़ होने के बाद एएसपी और एसडीएम ने 3 साइबर कैफे की जांच कर 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। बिहार में देश में अब तक सबसे कम संक्रमण दर की कही गई बात। भारत समेत पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि बिहार में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि अब बिहार में अब पूरे देश के मुकाबले संक्रमण दर में गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार में भी संक्रमण दर 30 अप्रैल को 16% से अधिक हो गई थी, जो अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। मगर जब हम कोरोना की शुरुआत से अब तक यानी कि बीते साल के आंकड़ों को मिलाकर तुलना करते हैं, तो बिहार की संक्रमण दर देश भर में सबसे कम है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में संक्रमण दर मात्र 2.3% है, जो देश भर में सबसे कम है। इसके साथ ही बिहार में रिकवरी दर में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। वर्तमान में भी बिहार का रिकवरी दर 86% के पार चला गया है। सुशील कुमार मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना की लड़ाई में आगे आने की कही बात। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में कोरोना की लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार सहित 18 राज्यों में संक्रमण दर घटी, लेकिन बेड आईसीयू बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी सांसद ने गांव में संक्रमण रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आने का आह्वान किया है, जिसको लेकर संक्रमण के गांव में फैलने की खबरों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसमें पंचायत प्रतिनिधि बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी गांव पर विशेष ध्यान देने और घर घर जाकर टीका लगाने पर जोर दिया है। इसलिए सरकार पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों को करके हर गांव में कोरोना की नो एंट्री सुनिश्चित करनी होगी। लॉकडाउन के कारण अब वर्चुअल माध्यम से होगा सीबीएसई 10वीं का मूल्यांकन। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला जारी किया था। वहीं बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पहले ही 10वीं की परीक्षा को सीबीएसई की तरफ से स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद अब परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी हो रही है। जानकारों की माने तो सरकार के फैसले के बाद अब सीबीएसई 10वीं का मूल्यांकन का सारा काम वर्चुअल माध्यम से करेगी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 25 मई तक रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। सीबीएसई पाटलिपुत्र सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष एके नाग का कहना है कि स्कूलों को 7 सदस्यीय मूल्यांकन कमेटी का गठन हो गया है। सीबीएसई के निर्देश पर स्कूलों के प्रचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में 5 शिक्षक अपने स्कूल के होंगे, 2 शिक्षक आसपास के स्कूल के होंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूल 25 मई तक 10वीं का रिजल्ट तैयार कर ले।
पटना में जल्द ही बनेगा हैप्पी स्ट्रीट। राजधानी पटना में 325 मीटर में हैप्पी स्ट्रीट बनाने की तैयारी हो रही है। नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर पटना नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस सुविधा निर्माण के लिए जल्द ही सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिसके बाद इस हैप्पी स्ट्रीट के बन जाने से विस्कुमान भवन पर डायनामिक फेसाड लाइटनिंग की व्यवस्था रहेगी। दो जगहों पर बड़े आकार में LED स्क्रीन की सुविधा दी जाएगी। गांधी मैदान के बाउंड्री वॉल को दोबारा सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। JP गोलंबर पर लाइटनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बूम बैरियर लगाया जाएगा। पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सुबह या शाम को कुछ समय के लिए इसे रास्ते को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाएगा, जहां बच्चों और आम लोगों के लिए साइकिलिंग, स्केटिंग, फूड कोर्ट के लिए मनोरंजन की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। पप्पू यादव के मामले में मेडिकल बोर्ड ने अपनी अनुशंसा ली वापस। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद पप्पू यादव का इलाज TMCH में किया जाना था, लेकिन वहां की खराब हो रही व्यवस्था को लेकर पप्पू यादव ने भी अपना ट्वीट जारी किया था। हालांकि पप्पू यादव का इलाज TMCH में ही किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। पप्पू यादव ने मेडिकल बोर्ड और DMCH अधीक्षक से गुहार लगाई थी कि उन्हें पटना नहीं रेफर किया जाए, उनका इलाज दरभंगा में ही किया जाए। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी अनुशंसा वापस ले ली। वहीं पप्पू यादव की लगातार खराब हो रही तबीयत को ध्यान में रखते हुए बीते दिन पप्पू यादव के कई टेस्ट मेदांता अस्पताल में करवाए गए, जिसकी रिपोर्ट आ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान की दो दिवसीय यात्रा पर शिम्पू 2008 में आज के दिन पहुंचे। भारतीय राजनेता और विद्वान पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार नटवर सिंह का जन्म 1931 में आज के दिन हुआ। RN माधोलकर का जन्म 1857 में आज के दिन हुआ था। वो भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आज के दिन उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद गोपाल चंद्र पहराज का निधन 1945 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का निधन 2014 में आज के दिन हुआ। आज के दिन को सिक्किम स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय टीम के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार ने टेस्ट क्रिकेट खेलने की नहीं जताई इच्छा। हाल ही में भुवनेश्वर कुमार ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने की इच्छा जताई है, जिसका कारण उनकी फिटनेस को बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर अब लंबे फॉर्मेट पर नहीं खेलना चाहते। उनके टेस्ट क्रिकेट खेलने का उत्साह नहीं बचा है। भुवनेश्वर को भी लोग करीब से जानते हैं। उनका मानना है कि बीते कुछ वक्त से बतौर गेंदबाज उनकी ट्रेनिंग और फिटनेस ड्रिल में काफी बदलाव आया है। अब जिम से ज्यादा वजन नहीं उठाते हैं। सीमित ओवर क्रिकेट में वो कम गेंदबाजी करके खुश है। इन्हीं सब वजहों से उन्हें लंबे फॉर्मेट से खुद को दूर रखने का फैसला लिया गया है। टेलीग्राम इस्तेमाल करने से पहले जान लीजिए उनके ये पांच शानदार फीचर्स। व्हाट्सएप छोड़कर कई लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि टेलीग्राम के इस्तेमाल से पहले हम आज आपको इसके पांच शानदार फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। टेलीग्राम यूजर ग्रुप चैट के लिए कई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें 200 से ज्यादा ग्रुप, सुपर ग्रुप्स और चैनल जैसे फीचर्स है। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आप सीक्रेट चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम के क्लाउड स्टोरेज में अपनी इमेज, मैसेज, मीडिया फाइल्स और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम यूजर को 1.5 GB तक की फाइल्स शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। टेलीग्राम अपने अपने यूजर को नाम और पासवर्ड के जरिए किसी भी डिवाइस में लॉगिन करने की सुविधा देता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू कुमार, मंटो कुमार, कुमार प्रहलाद, दीपक जोशी, कार्तिक कुमार, निधि चमोली, मुस्कान कुमारी, शंकर मुखिया, रीना पासवान, धर्मेंद्र कुमार, सोनू सिंह, कृतिका कुमारी, विकी कुमार, कुमार रवि, संजय कुमार, अजय सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार IMA बिहार की तरफ से बिहार में ग्लोबल वैक्सीन टेंडर की मांग COVID-19 से लड़ने में सहायक साबित होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।